देखिए राहुल, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कांग्रेस की प्रभारी जो थी उत्तर प्रदेश की, हमने उनसे मुलाकात की थी और चर्चा भी की थी कई ऐसे मुद्दों पे। और उनका खुद मानना था कि मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में, वो बोली, लेकिन जमीन पे हालात बिल्कुल अलग है। और वो जब बता रही थी तो वो कॉन्फिडेंट तो थी, लेकिन जो अजय जी ने बात की सपोर्ट की, कॉन्फिडेंट है लेकिन सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इस सेंस में नहीं है कि क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी राजनीति को हमेशा बहुत जोरदार तरीके से पकड़े हुए, और जो स्पेस खत्म हो गया है, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात हम जब कर रहे थे उनसे, तो यही बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो कैडर वोट था कांग्रेस का एक जमाने में जो था, वो छिटकते छिटकते खत्म हो गया। मुस्लिम और दलित ब्राह्मण ये तीन जो थे वो उनके खासम खास वोटर रहे, और वो ऐसे छिटके कि फिर उसको संभालना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया। और वो कारण उसका जो भी, इस बात को कांग्रेस नेता भी मान रही थी, और लोगों को सहेजना, इसीलिए आप देखिए हाथरस का कांड हो या फिर आगरे का कांड हो, वो दलितों के यहाँ बहुत दौरा कर रही थी। दूसरी तरफ वो जो पुराने वोटर उनके हैं, उन पे उनका फोकस है कि वो लोग हमारे पास कैसे रिकलेक्ट होंगे। तो इन सब चीजों पे उनकी कोशिश है, सपोर्ट नहीं है जनता में बिल्कुल, बच्चे युवा उनसे मिल रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं आ पा रही है। जो ईडी का मामला, अब हम इस पे आते हैं कि जो ईडी का मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, और ईडी के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं कांग्रेस सड़क पे उतार रही है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफर करना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों के बातचीत के आधार पर हम ये बात कहेंगे कि कांग्रेस के नेताओं की पकड़ भी अब खत्म हो गई थी, जिसको खुद को भी एस्टैब्लिश करना इनका इनके लिए इनका एक काम, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि खुद को भी एस्टैब्लिश करें। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को एक पूरे प्रोजेक्ट के तहत पप्पू करार दिया गया, उस इमेज से बाहर लाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, और उस उन मुश्किलों का सामना करने में, और अब जो जिस तरह से कांग्रेस को इंगेज रखने की एक कोशिश है सत्ताधारी पार्टी की, जिसमें ईडी वाला मसला है कि सोनिया गांधी को बुलाओ और राहुल गांधी को बुलाओ, और इस तरह की चीजें हो रही हैं। और राहुल इस कांग्रेस की इन नेताओं की, क्योंकि गांधी, हम बार बार कहते हैं कि गांधी ही कांग्रेस की कमजोरी है और गांधी ही ताकत है, क्योंकि जब भी विपक्ष वार करता है वो गांधी परिवार पे ही करता है, विपक्ष सत्ताधारी पार्टी वार करता है गांधी परिवार पे ही करता है, और गांधी परिवार को ही कमजोर होगा, गांधी परिवार ही तभी कांग्रेस मुक्त का जो भारत का अभियान है बीजेपी का, वो सफल होगा। इस तरह से इन सारी चीजों के कवायदों को देखें तो एक कांग्रेस ही बचती है जो मुखर होकर अगर सामने आएगी, और विपक्ष में जो और क्षेत्रीय दल है वो सहयोग करें, तो क्योंकि क्षेत्रीय दल में अगर कांग्रेस तैयार भी हो जाती है तो क्षेत्रीय दलों का कुनबा इतना बटा हुआ है कि एक किसी के, ममता बनर्जी और अखिलेश और केसीआर, हम लोग इन लोगों की बात कर रहे हैं, कौन किस पे सहमत होगा ये कहा नहीं जा सकता है। और जब तक कांग्रेस ताकतवर नहीं होगी, प्रमुख विपक्ष के रूप में जो है कुछ सामने नहीं आएगा, और इसके लिए कांग्रेस के नेता जो है यानी गांधी परिवार को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर ये लोग सड़क पर खुद नहीं उतरे तो फिर मुश्किल हो जाएगी सामने, 2024 में भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों के लिए अब सड़क ही बसता है और कहीं बसता नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।